कोरोना वायरस को लेकर साइंस मैगजीन नेचर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें हांगकांग यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ बेल काउलिंग के हवाले से ये लिखा गया, ये समय लॉकडाउन से मुक्ति और थोड़ा आराम करने का है, लेकिन ये बात पक्की है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर फिर आएगी। इसकी पूरी आशंका है कि ये लहर अप्रैल अंत तक एक बार फिर चीन को घेरेगी। बेल काउलिंग का ये बयान ऐसे समय में आया है जब चीन में कोरोना वायरस का असर कम होता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, चीन अपने शहरों से लॉकडाउन भी हटाता जा रहा है। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों के सामने कोरोना वायरस के दोबारा होने वाले हमले की ये चुनौती काफी बड़ी है। बेल काउलिंग ने ये भी कहा, अब चीन को अपने सभी प्रांतों में फिर से टेस्टिंग करनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि अब भी कितने लोग कोरोना वायरस की जद में हैं, कितने लोग इससे ठीक हो चुके हैं, कितनों में हल्के फुल्के लक्षण हैं वापस बीमार पड़ने के। ये तैयारी दूसरी लहर से बचाएगी। दूसरी तरफ हांगकांग यूनिवर्सिटी के ही शोधकर्ता गैब्रियल लियुंग ने बताया, चीन में अब यातायात सामान्य हुए हैं, लोग कई दिनों के बाद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो कोरोना वायरस से हल्के स्तर पर बीमार होंगे, उनकी वजह से यह बीमारी दोबारा हमला कर सकती है। गैब्रियल ने यह भी कहा, आप हुबेई प्रांत को ही ले लीजिए, यहाँ पर करीब 6 करोड़ लोग अब तक सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। लोग धीरे धीरे अपने घरों और काम पर वापस जा रहे हैं, फैक्ट्रियां खुलना शुरू हुई हैं। वुहान में 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटेगा, तत्काल जरूरत पड़ेगी सभी लोगों की जांच की। तो फिलहाल तो कोरोना का असर कम होता देख चीन अपने शहरों से लॉकडाउन हटा तो रहा है, ताकि देश के बिगड़े हालात को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों की अप्रैल के आखिर तक चीन में कोरोना की वापसी की चेतावनी वाकई में इस देश के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।